गोदान, लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 9। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी, दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दातादीन ने डांटा, ये क्या है होरी, तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो ये रोग ना था, क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस वक्त ना बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर तब दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही ये सर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहूर खिलाकर मार डाला और अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो ये हत्यारा मुझे मारता है। मैंने इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका ये इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, तेरे वही बात मुंह से निकाली, तूने देखा था हीरा को माहूर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा? हाँ हाँ नहीं देखा मैंने खड़े, कसम खाता हूँ, बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथ पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर, तूने खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा, मार तो रहा है और मार ले, जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया फिर भी इसका जी नहीं भरा, मुझे मार कर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है पापी कहीं का हत्यारा। फिर वो बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या क्या नहीं झेला, किस किस तरह से पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही, और आज उन सारे बलिदानों का ये पुरस्कार। भगवान बैठे ये अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने वैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों मीठी नींद सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, शोभा तुम कुछ जानते हो क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला, होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वो मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है, फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा ये उसी का काम है, शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोद कर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वो खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, ये बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी, पुलिस कुछ करे या ना करे धर्म तो बिना दंड दिए ना रहेगा। चली जा रुपया, हीरा को बुला ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं, और अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पे चढ़कर कसम खा ले। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा, जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बंस का अंत हो जाए, बूढ़े जीते रहे जवान जी कर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं, घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बैठा। धनिया ने टोका,
दादा उसे मत भेजो। हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहां जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है, शायद रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहां जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला, धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। दो दो चार चार आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहां चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वो संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसे उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वो दारोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कह देता था इसे केवल एक घुड़की ही काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुबा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांध कर बोला, मेरा शुबा किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत मरी, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने, सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि तुम जो कुछ कह दोगे वो मान लेंगे, यहाँ जांच तहकियात करने आए हैं, समझे? दारोगा जी ने पूछा, ये कौन औरत है? कई आदमियों ने दारोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाव ऊपरी की, एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, होरी की घरवाली। हाँ तो पहले इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। और वो कहाँ है हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वो तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते ये तलाशी न होने पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं। जहां चाहे जाए, जब वो उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, ये सब कमाने के ढंग हैं। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है, पूछो। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया किस लिए, और जब आया है तो बिना लिए दिए गया कब है? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, क्यों गला ना छूटेगा। दारोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया था जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर हुई, उसके भाई के घर हुई, बात तो एक ही है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वो उसका भाई है, मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दारोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हों, पर वो चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ होरी चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम ना चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज, अभी तो पहले ही गठरी सिर पर लादी है,
और किस मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम पर सौदा ना होगा। नोखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दारोगा जी से बात करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन घुड़कियां खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या 1 पचासे का डॉल भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वो भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा, मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा, बोले, अरे नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया है सरकार, इसका ख्याल तो कीजिए। अच्छा आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा, झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर, समझे। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख दारोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरह फुफकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयसर ना हो और अंजलि भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने, ऐसी बड़ी इज्जत है तेरी, जिसके घर में चूहे लोटे वो भी इज्जत वाला है। अरे दारोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ चाहे तलाशी, 100 रुपए की गाय थी उस पर ये पलेथन, वाह री तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया, सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए, दारोगा का मुंह जरा सा निकल आया, अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा, जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी थी, आकाश तका दिया, अब वो कैसे सर उठाए। मगर दारोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे, खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया है। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ हाँ दे दिया जहर, अपनी गाय थी मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा, तुम्हारे तहकियात में यही निकलता है तो यही लिखो, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे, तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखूं तो क्या करता है मेरा, दरोगा जी बैठे हैं, आज देखूं इसकी हिम्मत, घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी महरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती, यही तो वीरों का धर्म है, बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बांह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुर ना कहलाएगा तू।
तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ। आज से संभाल अपना घर। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊं पहनूंगी। इच्छा हो तो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई। जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जिसे देना है उसी से लेना। मैं दमड़ी भी ना दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने ना दिए। आज अंजलि भर रुपए ठनाठन निकाल के दे दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बांट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, ये गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर स्वराज चाहिए। जेल जाने से स्वराज ना मिलेगा, स्वराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिख सी लगी हुई थी, दारोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दारोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर क्या है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, चार चार तो मिलते ही। हुजूर के 15 भी तो चले गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं वे, वो ना देगा गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगीबाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, ये खुशामत फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपए दिलवाइए नकद, और ये समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसा कर उनसे 150 ऐठने के लिए ये पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यह समझ रहे थे कि दारोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखे राम ने उनका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दीन की चौपाल आ गई। दारोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर। मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुरी सिंह ने साहस किया, सरकार ये तो सरासर। मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी, और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है तलाशी ले लें, ये अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो। लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ सरकार। तुमने अभी अंधेर देखा नहीं है, कहो तो वो भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं। बाएं हाथ का खेल है मेरे, एक डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में मत रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दारोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दारोगा घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके शमशान से लौट रहे हों। सहसा दाता दीन बोले, मेरा श्राप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखे राम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहां है कि ये अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी।